अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। कौन? हाफिज इकबाल साहब बोल रहे हो? शेख मैं साबिर अंसारी बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। शेख एक मसला पूछना था। ये क्या नाम है, माबूद कौन है, पैदा करने वाला या पैदा होने वाला? माबूद हाँ, जिसकी इबादत की जाती है, मैं ये पूछा पैदा करने वाला या पैदा होने वाला। सवाल समझ में नहीं आया, क्या बोले आप? माबूद कौन है, पैदा करने वाला या पैदा होने वाला? माबूद तो सबको पैदा करने वाला है, इबादत तो इबादत की किसकी जाती करना है। है, पैदा होने वाले की या पैदा करने वाले की? क्या पूछे आप दोबारा कहें? इबादत किसकी करना है, पैदा होने वाले की या पैदा करने वाले की? जाहिर है जिसने पैदा किया उसी की इबादत होगी। हाँ, अगर कोई इंसान जैसे जिसने पैदा किया उसकी इबादत छोड़कर किसी और की इबादत करता है तो वो किसमें शुमार होगा? वो अगर किसी और की इबादत करता है तो वो मुशरिक होगा, लेकिन अगर अल्लाह के नेक बंदों की ताजीम करता है तो वो मुवहिद होगा, इसलिए कि अल्लाह ने ही नेक बंदों की ताजीम का हुक्म दिया है। तो इबादत और है और ताजीम और है, मेरे भाई, दोनों मैं में तो अभी फर्क तक समझना चाहिए। मेरे आजकल भाई के मैं तो नकली अभी वहां तक भी ये फर्क मैं तो अभी आजकल तक के नकली वहां भी ये फर्क समझते नहीं, इसलिए लोगों को मुशरिक कह के खुद ही अल्लाह के साथ कुछ शिर्क करते हैं। अरे मेरे भाई, मैंने तो अभी तक वहां तक बात नहीं पहुंचा है, आप वहां कैसे पहुंच गए हो? मैं ये पूछा आपसे, मैंने कहा अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करता है। जो अरे मेरे भाई, बेवकूफ मेरी लोग बात सुनो बिल्कुल ना। नहीं नहीं जो बेवकूफ लोग ताजीम और इबादत में फर्क नहीं समझते ना, वही लोग ये इस तरह की बातें करते हैं। कोई भी मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता। ताजीम करना अलग चीज है, इबादत करना अलग चीज है, समझे आप? अच्छा, तो इबादत किसे कहते हैं? इबादत किसे कहते हैं? कोई कुरान की आयत पढ़िए जिसमें अल्लाह ताला ने इबादत का जिक्र किया हो, और या फिर हदीस रसूल बताइए आप जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का जिक्र किया हो। हाँ बताओ। बोलो। हाँ अरे मेरे भाई बताओ ना। अरे उनको कहाँ पकड़ा दिया हाफिज साहब? आपने कॉल उनको क्यों पकड़ा दिया मेरे भाई? आप बात करो ना खुद। अरे वो हाफिज साहब को दो मेरे भाई, हाफिज साहब को दो। आई डोंट नो इंग्लिश। That's lovely. हेलो। दोबारा लगाता हूँ। हाफिज साहब ने लड़की को कॉल पकड़ा के I regret to inform you that your outgoing facility has been restricted. बंद कर दिया। If you are using a postpaid connection, kindly dial 121. If you are a prepaid customer, please dial 555. ඔබගේ ඇමතුම් ලබා ගැනීමේ පහසුකම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. ඔබේ ये යාත්‍රාවේ श्री लंका के बहुत बड़े अल्लामा हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब, श्रीलंका, बहुत बड़े अल्लामा है। अभी मोबाइल बंद कर दिया, दोबारा फिर लगाता हूँ, कोई बात नहीं। यू हैव 64 मिनट्स 22 सेकंड्स अवेलेबल। ये हाल है इन बरेली अल्लामों का। कॉल लड़की को पकड़ा दिया, अभी दोबारा किया, बंद कर दिया।
अभी तिवारा किया, पता नहीं अभी क्या जवाब आता है, देखते हैं। अभी तक तो कुछ भी। May we directly inform you that your outgoing facility has been restricted. बंद कर दिया। If you are using a postpaid connection, kindly dial 121. If you are a prepaid customer, please dial 555. ये आलम खबर पुजारी होगा। आपके लिए पासुकम तावकालिकव अतिदुआत। उपयातिल पासुकी उम्पारी भोगी के कुनामु